आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को खत लिखा है। उन्होंने फेसबुक को लेकर मौजूदा विवाद पर यह खत लिखा है। प्रसाद ने कहा कि सन 2019 के चुनाव से पहले फेसबुक इंडिया प्रबंधन ने दक्षिण पंथी विचारधारा के समर्थकों के पेज डिलीट कर दिए या उनकी पहुंच कम कर दी। फेसबुक को संतुलित और निष्पक्ष होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रिपोर्ट है कि फेसबुक इंडिया टीम में कई सीनियर अधिकारी एक विशेष राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हैं। फेसबुक के कर्मचारी पीएम मोदी और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों के लिए अपशब्द कहते हैं। आपके संगठन में सत्ता संघर्ष चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बीजेपी और फेसबुक के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने अमेरिका के एक अखबार की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए सोमवार को बीजेपी और फेसबुक के बीच सांठगांठ का आरोप एक बार फिर लगाया और कहा कि विदेशी सोशल नेटवर्किंग कंपनी का कृत्य डिजिटल साम्राज्यवाद है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि फेसबुक इंडिया से जुड़े लोगों की जांच होने तक इस कंपनी के पेंडिंग प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही।